लोगों का रिस्पॉन्स सही नहीं है, इसलिए लोग हील नहीं होते। मुझे तो 3 महीने हो गए चर्च में आते, मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि 3 महीने तुम क्या कर रहे हो, केवल अपने चमत्कार का इंतजार कर रहे हो। आराधना में कोई प्रभु से प्रेम नहीं, गुआइयां सुन के कोई ये नहीं कि यीशु ही प्रभु है। बस यही पता है यीशु चंगा करने वाला परमेश्वर है, यीशु खुदा है। अभी तक तुमने ये नहीं जाना। जिस दिन तुम ये बेसिक पॉइंट जान गए, यीशु मसीह खुद खुदा है, परमेश्वर है, जिस दिन तुमने उसे परमेश्वर करके मान लिया, उस दिन देखना क्या होगा। आज लोगों की प्रेयर राइट नहीं है परमेश्वर के सामने। कई वक्त आप चर्च में आ रहे हैं, बस एक हफ्ता आके देखूंगा, एक महीना आके देखूंगा, हो गया तो ठीक है। पत्नी को पति बोल रहा है 2 महीने और चर्च जाने देना, जे हुण संतान ना हुई मैं तेनू चर्च नहीं बढ़न देना। प्रभु जी 2 महीने रह गए, पति कहता प्रभु दे 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 बच्चा दे दे। अगर थोड़ा सा इसे आत्मिक कर लो, ट्यून को चेंज कर लो, प्रभु तू बच्चा दे चाहे ना, पति मेरा रोके चाहे ना, मैं तेरी आराधना कभी नहीं छोड़ूंगी। क्या होगा, 2 महीने में पति भी चर्च में बैठा होगा, चर्च में आके 2 महीने बाद वो भी चर्च में बैठेगा, उसके सारे रिश्तेदार सास ससुर सभी आके बैठेंगे। क्यों? क्योंकि तुम खड़े हो गए। प्रेयर को सीधी कर लो अपनी। अगर तुम एक आत्मिक चर्च में हो तो टाइम टेबल या समय के अनुसार मत सोचो कि ऐसा ही होगा कि प्रीचिंग के बाद हीलिंग होगी, या लास्ट प्रेयर में डिलीवरेंस प्रेयर होगी, या एंड में होली स्पिरिट की प्रेयर होगी। आत्मा कभी भी आपको किसी भी मूड में आपको ही सामने आ सकता है कि आज मैंने कैसे काम करना है, आज मैंने कैसे काम करना है। और आत्मा हमेशा डिफरेंट तरीके से काम करता है। अगर एक बार यीशु ने चेलों को बोला चल यहां जाल डालो, सारी रात मेहनत की कोई मछलियां नहीं पकड़ी, प्रभु ने कहा जहां जाल डालो मछलियां पकड़ ली। फिर वो पुराने तरीके से फिर जाल डाल रहे हैं, शायद इधर ही मिल जाओगी। जब सेकंड टाइम उनकी लाइफ में आया तो प्रभु ने अदर दिशा में बोला, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर किसी को उसने कहा चल आंख में मिट्टी लगा ले, लगा दी और कहा धो ले और उसकी आंखें देखने लगी। किसी को शब्द ही बोला वो चंगा हो गया, किसी को छुआ और चंगा हो गया, किसी को कहा अपना हाथ बढ़ा और वो उसने हाथ बढ़ाया हील हो गया। तो यीशु मसीह ने डिफरेंट डिफरेंट तरीके से किसी कोड़ी को बोला जा मैं चाहता हूं तू चंगा हो जा और उसका कोड़ खत्म हो गया तुरंत। किसी कोड़ियों को बोला जा वैद्यों को दिखा, वो डॉक्टर को दिखाने गए, जाते जाते उनका कोड़ खत्म हो गया। तो क्यों प्रभु ने इंस्टेंट नहीं करना था, ये उसकी मर्जी है, उसका क्या मूड है, क्या कैसा तरीका है। क्योंकि वो अगर उसने कहा नए नए गीत खुदा के लिए गाओ तो खुदा भी बोरिंग तरीके से काम नहीं करता, वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करता है कि आप उसकी महिमा के लिए इंटरेस्टिंग होते जाए, इंटरेस्ट के साथ उसकी तारीफ करें और नए नए तरीके। ये कैसे हो गए, हालेलुया। कभी वो लेहेंड से हीलिंग करता है, कहीं वो शब्द बोलने से हीलिंग करता है, कभी वो फायर प्रेयर में हीलिंग करता है, कहीं वो वचन देने से हीलिंग करता है, कहीं वो टीचिंग देने से कि मैंने विश्वास की टीचिंग को सुना और उसके बाद मैं चंगी हो गई, कहीं वो ऑयल से आपको हील करता है कि मुझे प्रेयर करनी आती नहीं थी, हम नए थे, पता नहीं लगा, घर में मुसीबत आई, बच्चा मर गया, मरा सा हो गया, पता नहीं लग रहा क्या करे। ओके, ऑयल पड़ा था चर्च का, पता है ऑयल ले हैंड है प्रभु का, दास का हाथ लगा है, ओके ऑयल लगाया, चलो जी बच्चा ठीक हो गया। तो प्रभु अलग अलग तरीकों से काम करता है, नए नए तरीकों से काम करता है और डिफरेंट बंदे से डिफरेंट तरीके से काम लेता है। अगर एक व्यक्ति को प्रभु अलग तरीके से यूज कर रहा है, मुझे तरस आता है उन लोगों पर जब वो किसी को अलग तरीके से यूज कर रहा हो उसके खिलाफत बोलने लग जाता है, नहीं प्रभु तो ऐसे हील करता है क्योंकि उसको प्रभु ऐसे यूज कर रहा है, उसको ऊपर प्रभु ने वैसी ग्रेस दी है, वैसा अनुग्रह किया है। और वो उस तरीके से दूसरे को लगता है नहीं जी मैं तो ऐसे हील कर देता हूं, तो उसको लगता है दूसरी चीज गलत। प्रभु हर एक को अगर एक आपके चेहरे डिफरेंट बनाए, अलग अलग तरह के, मजा आ रहा है दुनिया में कि जितने लोग देखो उतने अलग तरह के चेहरे, अगर सबके एक जैसे होते कितनी बोरिंग सी होती इंसान दुनिया,
हालेलुया। तो उसने परमेश्वर ने ऐसा ही किया है, इसलिए वो डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, नए नए तरीकों से आपके बीच में, किसी को अलग तरीके से, किसी को अलग तरीके से, किसी के द्वारा किसी तरह, किसी के द्वारा किसी तरह वो काम करते हैं। हालेलुया। किसी के द्वारा कॉन्टेक्ट पॉइंट के द्वारा कोई वर्ड देता है, जा इस बंदे को बोल, पुराने में बोलता था इस छड़ी को इस व्यक्ति पर लगा चंगा हो जाएगा, दूसरे बंदे को अरे छड़ी पर विश्वास नहीं आना चाहिए, ये तो छड़ी पर बिलीव हो गया, छड़ी पर थोड़ा ना, छड़ी ने चंगा नहीं किया, बोलने वाले को पता है प्रभु के दास ने वर्ड दिया था, और समझने वाले को यह भी पता है प्रभु का दास खुदा के बिना कुछ भी नहीं, महिमा किसको जाती है, खुदा को। और मूर्ख होता है वो व्यक्ति जो सोचता है शायद छड़ी को महिमा दे दी, शायद तेल को महिमा दे दी, शायद रुमाल को महिमा दे दी, शायद बंदे को महिमा दे दी, पर जिसने महिमा की उसने तो खुदा की, पर देखने वाले ने सोचा नहीं शायद इसको दे दी, उसने तो नहीं दी, तूने बोल के दे दी है उस चीजों को महिमा, कि तुम उस चीजों को महिमा देते, जबकि चीजें निर्जीव है वो महिमा नहीं लेती, और मसीह का सेवक भी मरा हुआ है अपने आप के लिए, वो महिमा नहीं लेता, क्योंकि जिस दिन वो महिमा लेना चाहेगा उस दिन शैतान की तरह वो गिरा दिया जाएगा, पवित्र आत्मा के वरदानों से वो अकेला कर दिया जाएगा। तो इसीलिए जब भी आप चर्च में आओ अपने आप को तैयार रखो कि प्रभु आपको छुए। कई लोग सीधा प्रीचिंग के टाइम आते हैं, कोई उन्होंने आराधना नहीं की, इधर आते ही प्रेयर होने लग जाती है और लोग उनकी स्पिरिट तैयार नहीं होती, उनको बस यही पता है कि बस में किसी ने मुझे ऐसा बोल दिया, वो ही घूम रहा है दिमाग में, मेरी पत्नी ने आज मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे बच्चा आज घर, आज मुझे पता लगा मेरा बच्चा ये चोरी करता है, तो वो ही घूम रहा है अभी। जब आराधना में आते आपकी स्पिरिट बिल्कुल फ्रेश हो जाती है, सिर्फ ध्यान फोकस आपका प्रभु की ओर हो जाता है, और जैसे आपका ध्यान क्रूस की ओर होता है, प्रभु की ओर होता है कि प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु क्या करेगा, तो आप प्रभु से ले पाते हैं, आपके लिए इजी हो जाता है। इसलिए जैसे आपने गवाहियां सुनी होती, वर्शिप की होती है, और तुरंत मैं आके आपके बीच में आके घोषणाएं करता हूं, तो आपके लिए रिसीव करना इजी हो जाता है, क्योंकि अभी आपकी आत्मा बिल्कुल तैयार है, और आत्मा कह रही है तैयार है, अभी ने चंगा कर, उसे पता आज गर्मी है, ये इंसान है, शरीर है, अगर हीलिंग 4 बजे की, 4 बजे ये बैठ बैठ के प्रचार सुन सुन के ये थक जाएगा, और एंड में प्रेयर होगी मास पर, ये ऐसे खड़ा होगा, क्यों, मैं बोलूंगा फायर रिलीज करो, फायर, मैं बोलूंगा ऊंची आवाज से डांटो शैतान को, ये बोलेगा जा शैतान जा जा, जल जा चल जा। परमेश्वर को पता है कौन सा राइट टाइम है आपको हील करने का, डिलीवर करने का, ब्लेस करने का। इसलिए हमेशा अपनी स्पिरिट को तैयार रखो कि कभी भी परमेश्वर आपको छू सकते हैं। लिखे पत्रस ने प्रीच किया सुनने वालों पर, मैं प्रचार कर ही रहा था कि सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतरा है। ऐसा नहीं कि उसने आमीन बोला चलो जी प्रचार खत्म हो गया, वो प्रीच कर रहे हैं पवित्र आत्मा के बारे में, वो सुनते गए, सुनते सुनते कांपने लगे, भूख बढ़ गई उनकी, अंदर अंदर कोई प्रार्थना करने लगे प्रभु हमें भी दे, हमें भी दे। वो प्रचार करते करते सब पर आत्मा उतर आया, उसे प्रभु कहते देख जो मैं कर रहा हूं, तू जो बोल रहा है वो मैंने कर दिया। हालेलुया। इसीलिए वचन के टाइम पर रेडी रखो अपने आप को, तुम वचन सुन रहे हो, सुनते सुनते तेरा फोड़ा गायब हो सकता है, तेरा कैंसर गायब हो सकता है, तेरी गिल्टी गायब हो सकती है, तेरी आंखें पढ़ते पढ़ते हील हो सकती है। गुजरात मैंने प्रेयर की, आंखों वाले लोगों के लिए आंख चंगे होगी, ओके मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा तुम हील हो चुके, चेक जरूर करना, एक व्यक्ति ने चेक नहीं किया, ओके। जब मैं वचन पढ़ने लगा मैं कहा चलो ओके, बहुत लोगों ने गवाही दी, चलो वचन पढ़ते हैं, निकालो बाइबल में इतने, उसने बाइबल की निकाली, उसने चश्मा चश्मा लगाया होगा पहले, ये धुंधला दिख रहा है चश्मे से, उसने उतार के देखा अरे नहीं मैं तो ठीक, मेरी आंखें तो देख पा रही है, वो हील हो चुका था, पर उसे कब पता चला, जब उसने बाइबल को पढ़ा। तुरंत विश्वास से चेक ना करना एक अविश्वास है। मान लो एक व्यक्ति की पीठ की दर्द चील हो चुका है, वो आराम से नीचे बैठा है, कॉल जी कर रहे उठन दी, हुआ तो था दर्द पर होके वापस भी चला गया, क्यों, क्योंकि तूने विश्वास ही नहीं किया। कई लोग शर्माते हैं और कई लोग वैसे ही टेस्ट करना चाहते हैं मिरेकल्स को। ये एक दया है परमेश्वर की मांग,
मैं जब नए नए चर्च में जाता था, मुझे लगे को ये मेरा थोड़ा सा टेढ़ा है, ये मेरा थोड़ा सा इधर है, ये मेरा थोड़ा सा इधर है, ये बाल काला हो गए जो छिट्टा हो जाए तो ऐसे ही मेरे प्रभु ये मेरी आज ये ऐसा है वैसा है। मैंने कहा मैं हाथ रखता हूं तो मेरा तो हुआ नहीं चमत्कार, क्योंकि मैं एक चमत्कार के रूप में लेने के लिए चेक कर रहा था कि कैसे होते जी चमत्कार, यार कितना गवाही, वो कैसे गायब हो जाता गोला। तो मैं जाता खुद टेस्ट करूं कुछ, और कहीं भी हाथ रख लेता था कुछ भी हो। हीलिंग उन लोगों के लिए है जो तड़प रहे उनमें, हीलिंग उन लोगों के लिए है जो दया मांग रहे प्रभु की, हीलिंग उनके लिए जो बिलीव कर रहे हैं यीशु पर, हीलिंग उनके लिए जो परमेश्वर के लिए जीने के लिए अपने आप को समर्पित कर रहे, सेवा करना चाहते हैं। तो हीलिंग के पीछे कारण होना चाहिए। जो कुछ मांगो उसकी महिमा के लिए मांगो, प्रभु आपको देगा। आपका मांगने का रीजन, लेकिन तुम मांगते तुम्हें मिलता नहीं, क्योंकि तुम बुरी इच्छा से मांगते हो। प्रभु जी प्रेयर करदा मेरी उस लड़की ना मैरिज हो जाए, 40 रोजे रखदा, तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो। प्रभु जी ओदी ओदना टूट जाए मेरी बन जाए, 40 रोजे रखदा, तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हो। प्रभु जी मेरी दराणी मेरी तुम बुरी इच्छा से मांग रहे हैं। सौतन करी प्रभु मैंने चढ़ा रही है, प्रभु मैंने बच्चा दे। प्रभु कहते आ केड़ा तरीका होया, मैं चढ़ा रही है, मैं बच्चा दे, मैनू दुख वो हो रहा है। जब प्रभु का दास आया, जब उसने दीन होकर मन खोल के क्या, प्रभु मुझे संतान दे तो मुझे बच्चा देगा, मैं उसे तेरी महिमा के लिए दे दूंगी, तेरी भवन में दे दूंगी। प्रभु कहते ये राइट प्रेयर है, अब तुझे दूंगा, जा ले आशीष ले, हालेलुया। तो आपको आप कैसी प्रेयर कर रहे हैं हीलिंग के टाइम, डिलीवरेंस के टाइम आप कैसे खड़े हैं? मैं क्या बोल रहा था, आपको फील हो जाए ना चिल्ला के प्रेयर करना शुरू करो। जैसे आपने प्रेयर करनी शुरू की, आपकी प्रेयर आत्मा में बदल गई होगी, आपने नोट किया होगा। आप नॉर्मल खड़े होंगे, जा 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 जा, आपने वैसे अपनी ट्यून को चेंज किया और तुरंत आप आत्मा में आ गए। इसलिए आपको एक चीज याद रखना है, आप परमेश्वर के सहयोगी हैं। आपको सहयोग करना होता है अपनी हीलिंग के लिए। आज मैं यही वचन सिखाने जा रहा हूं कि यीशु मसीह क्रूस पर सब कुछ हमें दे चुके हैं। तो उसने कहा सब कुछ पूरा हुआ, तेरी चंगियाई हो चुकी है। क्या क्या लोड पर जरूरत पड़ती, चंगियाई की, प्रभु क्रूस पर हो चुकी। छुटकारा चाहिए आपको पाप से, जादू टोने से, शरीर का अभिलाषाओं से, वो कहता हो चुका है। आशीष चाहिए, गरीबी से छुटकारा चाहिए, फल लाना चाहते, आशीष चाहते, वो कहते हो चुके क्रूस पर। ब्लेसिंग चाहते हैं, वो कहते दे चुका हूं। पाप से छुटकारा चाहिए, लहू बहाने से हो चुका है। बीमारियों से छुटकारा चाहिए, कोड़े खाने से हो चुका है। शारीरिकता से आजाद होना चाहते हो, आत्मा दे चुका हूं। शरीर पर मन नहीं लगाना चाहता, क्या हुआ सब कुछ दे चुका है, आत्मिक रूप में, शारीरिक रूप में, शैतान की ताकत पर, दुनिया पर अधिकार, सब कुछ दे चुका है। अब केवल बाइबल के तरीके को समझें। उसने क्या कहा, आधा मैं बोलूंगा आधा आप बोलेंगे। उसने कहा मांगोगे तो तुम्हें, ओके पूरी चर्च को पता है, बताओ रोज कितने घंटे मांगते हो प्रार्थना में? प्रेयर नहीं कर पाने जी, तुम मांगे नहीं पा रहे हो, तुम मांगोगे नहीं तो लिया नहीं जाएगा, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए, ढूंढोगे तो तुम, ओके बोगे तो तुम, ऊंची बोलो बोगे तो तुम, समझ पा रहे भाई बोल करूं? आत्मिक क्रियाओं में मरोगे तो रूहों को बचाओगे, मरोगे तो जियोगे, शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, आत्मा के अनुसार चलोगे तो जियोगे, समझ पा रहे बाइबल का रूल? इसलिए मन फिराओ, लौट आओ, ताजो प्रभु की ओर से तुम्हारे लिए सुख के दिन आए। सुख के दिन देखने के लिए क्या करना है, पाप से, पुराने चाल चलन से, पुराने जीवन से मन फिराना है, नया जीवन पहनना है, समझ पा रहे बाइबल? तो प्रभु कर चुका है, वो आपका रिस्पॉन्स की वेट कर रहा है। वो हीलिंग कर रहा होता सबके बीच में, पर आपका राइट सही रिस्पॉन्स की वेट कर रहा है।
अगर तुम ऐसे बढ़ करके फाय फाय करोगे तो वो तुम्हें नहीं चंगा करेगा। अगर तुम दीन होगे कहोगे प्रभु यीशु कृपया मुझ पे दया कर, कृपया मुझे भी चंगाई दे, मैं भी इन लोगों में शामिल होकर तेरी आराधना कर सकूं, प्रभु अगर तू मुझे चंगा करेगा ना प्रभु मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा, प्रभु सब दुनिया में तेरे पीछे चलूंगा, हमेशा तेरी सेवा करूंगा, क्या प्रॉब्लम ऐसा कहने से? पर लोगों को राइट प्रेयर करनी नहीं आती। एक पास्टर था, मैंने कहा मेंटरशिप में आना चाहता है, मैंने कहा ओके स्टोरी बता पहले तेरी लाइफ की, पास्टर कैसे बना तू? कहता ऐसा था मैं बीमार था, बहुत सालों से बीमार था, सारा पैसा खर्च हो रहा था, कोई आस नहीं बड़ी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। एक दिन मैंने कहा प्रभु मुझे केवल चंगा कर दे, मैं सारी जिंदगी तेरी सेवा करूंगा। तो कहता मैं उसके कुछ ही हफ्तों में मैं कंप्लीट हीलिंग हो गया, हॉस्पिटल के चक्कर बंद, मेडिसिन बंद, टेस्ट रिपोर्ट ना सब कुछ बंद, मैं पूरी तरह से हील हो गया। और उसके बाद मुझे अब सेवा करनी थी, अब मैं सेवा कर रहा हूं पर मुझे समझ नहीं आ रहा है कैसे करूं, इसलिए मुझे आपकी अगुवाही चाहिए, ये राइट है। तो उसके पीछे कुछ हिलाने वाला हो ना। आज एक व्यक्ति को पूछे ओके क्या प्रॉब्लम है जी, मेरी किडनियां फेल है जी, पास बड़ा दुखी है, बड़ा परेशान है, ओके प्रभु आज चंगा कर देगा, यीशु को जीवन देगा, बपतिस्मा लेगा आज ही? घर वाली ये दस, तू सलाह करके दसांगे जी करे, समझ पा रहे? पहले तो कह रहे थे मैंने पूरा विश्वास है प्रभु चंगा करेगा, पूरा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। हाँ जैसे जैसे मैं मसीह में बढ़ा, पहले मेरे डिप्रेशन गए, मेरी चिंताएं गए, मेरी बीमारियां गए, मेरे श्राप टूटे, मैं एक एक स्टेप बढ़ाता गया, प्रभु एक एक चीज ऐड करता गया, मैं बोने लगा काटने लगा, मैं मांगने लगा मुझे मिलने लगा, मैं सुसमाचार सुनाने लगा, मेरे अपने लोग उद्धार पाने लगे, तो मैं काम करने लगा वो जो मैं देखना चाहता था, उस रूल्स को फॉलो करने लगा, तुम मेरी सेवा करो मैं तेरे इंतजाम करूंगा, ओके मैं करने लगा। तो इसीलिए दो तो तुम्हें दिया जाएगा, ओके मैं लोगों को हीलिंग देने लगा, मुझे वरदान थे, उसने कहा दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, मैंने लोगों को देने लगा, प्रेयर करने लगा। तो जैसे आप इन चीजों को समझ आते हैं, राइट प्रेयर आपके लिए राइट आंसर लेके आती है। हालेलुया। तो इसीलिए आपकी प्रेयर करने का तरीका क्या है, अपनी प्रेयर के अंदाज को बदल लो, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप देखता है पर यहोवा की दृष्टि मन पर रहती, तेरे मन में क्या चल रहा है, तुम उसे सच्चा प्रेम करते हो या नहीं? अगर आज तुझे चंगियाई मिल गई फिर भी तुम चर्च आओगे चंगियाई लेने के बाद, आज तुझे तेरा वीजा लग गया फिर भी तुम आओगे? इसलिए जब तक तुम उस ट्रैक पर तेरी सोच नहीं पहुंचती, कई बार प्रभु वेट करता है। आज तो 10,000 कमा रहा है, 1,000 दशमांश निकालना इजी है, तुम निकाल रहे हो, कल तुम 1,00,000 कमाओगे, 10,000 दशमांश उसका निकालना तेरे लिए मुश्किल लगेगा। जब तक तेरी स्पिरिट उसको करने के लिए तैयार नहीं हो जाती, हो सकता है तब तक खुदा वो आशी तुझे न्याय दे, क्योंकि तेरी स्पिरिट तेरा अंगीकार तैयार नहीं है। जब तक मैं अपनी लाइफ में इस लेवल तक नहीं आ गया कि गिर के उठ के उपस्थिति प्राप्त करके खो के पाके फिर खोई पाई खोई, जब तक इस लेवल तक नहीं आ गया कि प्रभु तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं हूं, कृपया अपना पवित्र आत्मा मुझसे अलग ना करना, तब तक उसने मुझे स्थिरता वाला जीवन नहीं दिया। हालेलुया। हर चीज के पीछे कारण है। जब तक आप उस तरीके को समझ नहीं पाते तब तक आप हील नहीं पाते होते। आज लोग संडे मिस करते हैं चर्च, महीने में कितने दिन चर्च आते हो? 4 एतवार आते, कभी 5 आते, तो महीने दिन तुम 4 बार चर्च आए और कहते प्रभु क्यों नहीं कुछ हुआ, सिर्फ 4 दिन। मेरे क्या डॉक्टर के पास जाते तुम 15 दिन लगा देते हो, पहले 3 दिन फिर कहते मेडिसिन चेंज करते हैं, 7 दिन का ये कोर्स करो, फिर नहीं लो चल ये रिपोर्ट करवा के लेके आओ, फिर अभी ये रिपोर्ट की इस चीज की दवाई चलेगी, फिर भी नहीं हो रहा, फिर कहते ऑपरेशन करवाएंगे, महीने की अपॉइंटमेंट है। तुम एक लंबा सफर करते हो, दुनिया में गए थे पता नहीं कहीं कहीं गए थे गाड़ियां उठा के, 7-7 घंटे, 10-10 घंटे, 2-2-3 बाबा के पास चंगे हो जाए, चर्च में 4 दिन आने तेरे लिए बहुत मुश्किल लग रहे हैं। क्या प्रभु तेरे मन को जानते हैं? वो तो महीने में 4 दिन तूने कैसे बताए उसके साथ, वो निर्भर करते तेरी लाइफ में क्या होगा। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं। कई लोग आज तक चर्च में आ रहे हैं अभी तक उन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, पता नहीं किस चीज की वेट कर रहे हैं वो, पता नहीं किस चीज का वो इंतजार कर रहे हैं।
कईयों को इंतजार है पहले मेरा काम हो जाए फिर प्रभु को जीवन दूंगा। स्वार्थी, क्या स्वार्थियों को प्रभु दे देगा? स्वार्थी, हां प्रभु किसी पर पहले दिन आए दया कर दे, जैसे आज बंदे आए पहले ही, पहली बार आया जी ठीक हो गया, मैं उसके लिए प्रेयर भी कर रहा हूं, वो है कि ऐसे आके खड़े हो, पहली बार आया नहीं पता कुछ। तो लोग प्रभु दया कर दे तो कर दे, पर आप अगर इस सोच में टिका के बैठे जब प्रभु देगा तो बपतिस्मा लेंगे, ये रॉन्ग बात है। आप सया साथ नहीं दे रहे परमेश्वर जो पहले ही कर चुका उसे लेने का। आपको, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, हम परमेश्वर के सहयोगी हैं, तो आपको सहयोग करना है परमेश्वर का कि वो आपकी लाइफ में काम कर सके। वो बिना आपके सहयोग के आपकी लाइफ में काम नहीं करता। आपको सहयोग करना है परमेश्वर का कि वो जो आपकी लाइफ में कर चुका है उसे आपकी लाइफ में दिखा सके, आपको जो महिमा प्रकट कर चुका है उसे आपकी लाइफ के ऊपर दिखा सके। कई लोग, हाँ मैं प्रभु से पूरा प्रेम करती हूँ, यीशु ही प्रभु है, मुझे सब कुछ विश्वास है, पर बपतिस्मा नहीं लेना। क्यों? अगर प्रभु में कोई रिश्ता ना मिला फिर, रिश्ता ना मिले मसीह दे विच कोई फिर, यही तो बिलीव नहीं है तेरा, ना मिलया था। तुम शक करके ये ना कहना, तुम चिंता करके ये ना कहना क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, मैरिज कैसे होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हस्बैंड क्या कहेगा, वाइफ क्या कहेगा, बच्चे क्या कहेंगे, बिजनेस वाले लोग क्या कहेंगे, टीचर क्या कहेंगे, स्कूल में फ्रेंड्स क्या कहेंगे। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। रोग आपका बड़ा नहीं है, रोग तो चुटकी का काम है हील होना, पर बड़ा रोग ये है क्या कहेंगे लोग, वो आपको हील नहीं करने देता। आज सब कीड़े निकाल दो, देखना कैसे काम करेगा खुदा आपकी लाइफ में। हालेलुया। बपतिस्मा नहीं ले रहे, ओके क्यों? लोग क्या कहेंगे, मेरा मैरिज, हमने सुंदर रिश्ते होते देखे मसीह में, वेट के बाद उन्हें ग्रेट मिलता देखा है, बस यही लोग है, वेट नहीं करना चाहते, बस ब्याह हो जाए। मतलब जो तुम मैरिज को समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं होता, जो तुम मैरिज को समझ रहे हो वो बस दिमाग है। मैरिज एक साथ ही, एक साथ ही मिलता है जो आप, जिसके साथ आप पूरा परिवार आराम से खुशियों से रह के अपने जीवन को चलाते हो। बपतिस्मा क्यों नहीं ले रहे, यीशु को जीवन क्यों नहीं दे रहे? मुझसे ना अभी भी बीड़ी लग जाती है, मैं अभी भी जर्दा मलता हूं। जिस दिन मैं ये पैक छोड़ दूंगा ना फिर बपतिस्मा लूंगा। अभी भी मेरा गलत रिलेशनशिप है किसी लड़की के साथ, मैं भी पापी बंदे ने, मैं की बपतिस्मा लेना। अभी भी मुझसे ना गालियां निकल जाती, इसलिए मैं बपतिस्मा नहीं लेता। मैं फिर, मुझे ऐसे स्थानों में जाना पड़ता है ना जहां पर खाना खूना पड़ता है, तूफा तूफा सारा कुछ, वो फ्रीज 30 रुपए का 20 रुपए का रोजे खाना मिलता है, वो खाना बंद हो जाएगा ना। एक व्यक्ति मुझे कह रहा है मेरा तो उठना बैठना फ्री के खाने, फ्री के लंगर प्रसाद वालों में है, तो मेरा तो उठना बैठना ऐसे लोगों में, तो वो तो फिर बंद हो जाएगा अगर बपतिस्मा लूंगा। अरे 30-50 का खाना तुझे प्यारा है, नरक की आग से तुझे कोई डर नहीं है, मुक्ति से, शांति से, पवित्रता से, परमेश्वर की दया तुझे नहीं चाहिए। खाने के बदले बाइबल में लोगों ने अपने हक खो दिए खाने के चक्कर में, कहता रोटी चाहिए या अधिकार चाहिए, कहता मुझे तो भूख लगी, रोटी चाहिए, दाल चाहिए मुझे तो। अपने पहलोटे के हक, अपने अधिकार लोगों ने खो दिए खाने के चक्कर में। हवा ने फल खाने को अच्छा, देखने को मन भावना, खाया गई काम से, समझ पा रहे, खुदा की उपस्थिति खो दी। तो लोगों की लाइफ में ये चीजें रह चुकी है, लेकिन उनसे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकते हैं, बल्कि उससे डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में फेंक सकता है। तो मनुष्यों से मत डरो। ये लोगों को लगता है कि मैं पवित्रता ही में होऊंगा तब प्रभु का अपना जीवन दूंगा। अगर तुझे ही पवित्रता ही पास करनी होती तो यीशु को मरने की क्या जरूरत थी क्रूस पर तेरे लिए? यीशु ने क्रूस पर इसलिए जान दी, जो व्यक्ति पाप से निकल नहीं पा रहा है, पाप से आजाद नहीं हो पा रहा है, उनको लगता है पाप किए बिना मनुष्य बना ही पाप के लिए, गंदा देखने से रह ही नहीं सकता मनुष्य, गंदा बोलने से रह ही नहीं सकता, ये गालियां तो हमारी लैंग्वेज ही है, इसे छोड़ ही नहीं सकते हम, तो उनको लगता है कि ये नहीं हो ही नहीं सकता। लिखा है परमेश्वर मनुष्य से तो नहीं, परंतु परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है।
उसने कहा मैं अपनी आत्मा तुम्हें दूंगा तो सब कुछ हो सकता है। जिसके अंदर परमेश्वर का बीज है वो पाप कर ही नहीं सकता। क्या परमेश्वर से पैदा हुए उस बीज से पैदा हुए उस अविनाशी बीज से? तो इसीलिए अगर आपने ही पाप छोड़ने होते तो आप पहले नहीं छोड़ पाए इतने सालों से। आप घमंड करते कि मैं छोड़ पाऊं और कभी नहीं कर पाओगे। लोगों को मैंने देखा कसमें खाते करवली के साथ, मैंने 100 लगे हूं एक महीना मैं पेग नहीं लाना और हफ्ते बाद लगाना शुरू कर देते। मैंने तेरी कसम, मैंने बच्चों की कसम सारे मार देंदे, मैं हूं नहीं पेग लाऊंगा। फिर शुरू करते हैं, क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है थोड़ा सा इमोशन से टच करते, वाइफ रो रही है आज से नहीं पीऊंगा, क्योंकि आंसू ने रो रलाया। पर वो पाप के बिलासा इतनी तकड़ी थी वाइफ के आंसू भूल गए। मां रोज तेरे नशे के कारण रोती है, मां के आंसू भुला देता है नशा वो तेरे, पाप तुझे अंधा कर देता है सब कुछ। तो इसीलिए तेरी बहन रो रो के तेरे लिए प्रार्थना कर रही है, तुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तुम नहीं छोड़ रहे हो नशा, क्योंकि पाप की ताकत बड़ी है। इसे केवल मेरे प्रभु यीशु की ताकत ही हरा सकती है। क्या उस ताकत के सामने आने के लिए आज तैयार हो? अपना जीवन उसे आज देके जाना है। जब जीवन को चुन लो जब मृत्यु को चुन लो, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? इसलिए मन फिराओ, बिलीव करो, विश्वास करो, विश्वास करो, बपतिस्मा लो। कई कहते मैंने विश्वास है, हाँ जी विश्वास करते हैं तो प्रभु चंगा करेगा। हाँ जी विश्वास है, ताही तो आए हैं। बहुत इजी है शब्द बाइबल में लिखे, विश्वास कर, जो विश्वास करे वो ये ना बोले ताही तो आए हैं, वो बपतिस्मा ले ताही तो आए नहीं, ताही तो आए हैं चर्च, विश्वास कर दिए जी आए हैं। भैन ने सानू दसिया, रिश्तेदार ने दसिया, विश्वास किया ताही तो आए हैं, ताही तो खड़े प्रे लाइन च वाइट कार्ड बना के, ताही तो अगे आए लाइन च। बाइबल में जो विश्वास करे सो बपतिस्मा ले। अगर तूने आज तक बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को जीवन नहीं दिया, इसका मतलब आज तक तूने विश्वास किया ही नहीं, तूने विश्वास किया ही नहीं। तुम ऑनलाइन बैठ के बस लाइव मीटिंग देखते रहते हो, मेरा पति सुधर जाए, मेरा कर्जा खत्म हो जाए, तुम मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, पर यीशु को जीवन देने के लिए ये मिल जाए वो मिल जाए। प्रभु कहते अपना जीवन दे दे सब कुछ मिल जाएगा। नहीं प्रभु, सब कुछ चाहिए तू नहीं चाहिए, सब कुछ चाहिए तुझसे चाहिए तू नहीं चाहिए, तुझसे चंगाई चाहिए, तुझसे बरकत चाहिए, तुझसे बच्चे की आश चाहिए, वीजा चाहिए, तू नहीं चाहिए प्रभु। आप ऐसे बोल रहे हैं जो इंतजार कर रहे हैं प्रभु को अपना जीवन देने का। लोग डरते हैं। एक व्यक्ति मेरे पास आया, कहते पास्टर जी मेरी जो गवर्नमेंट जॉब नहीं लग रही, मेरी पोस्ट नहीं बढ़ रही, मेरे बेबी नहीं हो रहा है। अचानक से पवित्र आत्मा ने बोले इनसे पूछ, मैंने कहा आपकी मैरिज कैसे हुई थी, प्रभु में हुई थी या अन्य जाति में हुई थी? जी मैं प्रभु में था। देखो जी पासी गल सुनो मेरी, मैं प्रभु में था, ये प्रभु में नहीं थी, मैंने इसके कारण अन्य जाति में मैरिज करवा ली। यीशु का इनकार करके प्रभु ने कहा अगर मेरे सन्मुख तेरे लिए कोई दूसरा देवता ना हो, 10 आज्ञा में से एक है, केवल मैं ही सच्चा और जीवता परमेश्वर हूं, मैं जलन रखने वाला परमेश्वर हूं, अगर तू मेरी महिमा किसी और को देता है मैं जलन रखने वाला परमेश्वर। तो कहते देख पास्टर जी ये प्रभु च नहीं सी, मेरे ना ब्याह करा के ये प्रभु च आ गई, एक रूह बच गई। मैंने कहा अगर तू ना झुकता तो आज हजारों बचा चुका होता, प्रभु तुझे यूज करता। आज एक ही लेके बैठा है, साथ में गवर्नमेंट जॉब नहीं है, साथ में बेबी नहीं है, हस्बैंड वाइफ में लड़ाई झगड़ा है, सब कुछ तो खत्म है तेरा। एक रॉन्ग डिसीजन सब कुछ खत्म कर देता आपका, जो आपको सही लग रहा है। नहीं मैंने प्यार कर दिए, मैं इन्ना ब्याह कराना। किन्ने साल दी बेटी? हजे मैं 16 साल दी हूं। नहीं मैं प्यार कर दी इनू। अरे ब्याह होना 20, 24, 25 जाके तेरा। नहीं मैं प्यार कर दी हूं। स्कूल टाइम आपको लग रहा है 5वीं तक मेरी इससे मैरिज होगी, प्लस टू तक आपको लग रहा है मेरा इससे ही ब्याह होगा, प्लस टू से निकले कॉलेज में गए, कॉलेज से लग रहा है इससे ही ब्याह होगा, कॉलेज के बाद जॉब करने लगे आपको लगा यही इससे ही होगा, किसी से नहीं हुआ। हुआ कैसे? मम्मी कोई रास्ता लभ ना, चलो मम्मी ने लभ लुभ के लिया, होया कि ना जेड़ा मम्मी ने लभ के लिया। तो ये बहुत सारी फेक होती है स्टोरीज, वो आपका धोखा है। राइट टाइम पर वो चीज आपके पास आ जाएगी। आज लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट पता क्या होती है चर्च में? मैंने प्रेयर करवानी, पास से मिलकर प्रेयर करवानी, बता के प्रेयर करवानी। वो लड़का ना जिन्हों मैं प्यार करती हूँ किसी होर मगर लग गया है,
पास्टर प्रे करो ओनू छड्डे ते मेरे मगर आए। और मैंने कहा प्रे टॉपिक है, मैंने कहा मैंने नहीं मिलना ऐसे, ये कैसी प्रे करवाते हैं ये लोग। तो ऐसी लोगों की प्रे रिक्वेस्ट, शर्म नहीं आती लोगों को, परमेश्वर को उन्होंने बाबा समझा है कि बाबा है, शराब चढ़ाओ काम हो जाएगा, बाबा है बकरा चढ़ाओ काम हो जाएगा, मुर्गा चढ़ाओ है चढ़ावा चढ़ाओ काम हो जाएगा। 1 लाख देना बाबा जी, 10,000 तेरे भवन में दूंगा। जिसके पास 1 लाख है 10,000 भी है उसके पास। हाँ, तो ऐसे लोग परमेश्वर को जब तक तुम सही रीति से समझोगे नहीं। लेकिन धन्य है जो परमेश्वर को जानता और समझता है। आज मैं पर्दा थोड़ा सा उठा रहा हूं कि आप जानते तो है कि यीशु मसीह चंगा करता है, पास गर्च में गवाहियां होती है, खुद यीशु को जीवन नहीं दिया, बपतिस्मा नहीं लिया, 4 बंदों को साथ लेके आ रहे हैं, आजो चंगाई हो जूगी, चंगाई हो जूगी, चंगाई हो जूगी, आजो था डई पला हो जूगा। वो 4 तो आशीष ले गए पर तुम अभी भी खाली हो। क्यों? क्योंकि 4ों ने दिल खोल लिए, तुम अभी भी वही चीज में फंसे हो। तो इसीलिए आपको इन चीजों में ध्यान देने हैं। नहीं, मुझसे संसार के लोग छोड़े नहीं जाते, मेरा उठना बैठना फिर ऐसे लोगों से है ना, मैं इसलिए बपतिस्मा नहीं ले रहा हूं। उन्हीं के बीच उठते बैठते वही तुझे खा जाएंगे, फिर पता चलेगा मुझे अपनों ने धोखा दे दिया, कोई अपना नहीं है, सब मतलबी है, पास्टर जी प्रेयर करो सब मतलबी है। तो बाद में ठोकर खाना। यीशु ने कहा जो तुम मुझे छोड़ के पाएगा तो उसे खोएगा। हमारे ऐसे लोग प्रेयर कम करके कोई अपनी इच्छा भी पूरी करे हम खाली फील करते थोड़ा सा। तुम जो बिना प्रेयर के सब कुछ करते जा रहे अपनी इच्छाएं पूरी, कैसा जीवन है? तो इसीलिए आपको ध्यान से समझना है, ध्यान से समझो प्रभु की इच्छा क्या है। धन्य है जो परमेश्वर को जानते और समझते। आप जानते ही हैं बस, पर समझते नहीं है, कोई रिश्ता नहीं है। परमेश्वर आपको कोई जानता जूनता उस चीज में, परमेश्वर का कोई ध्यान नहीं आपके ऊपर। जैसे आप मानते हैं मोदी जी, मुझे पता है मोदी जी है, मोदी जी आपको जानते क्या? ऐसे आप परमेश्वर को जानते, परमेश्वर है क्या? परमेश्वर का कोई रिश्ता है आपके साथ? एक रिश्ता बनाओ परमेश्वर के साथ, बाप बेटे वाला रिश्ता बनाओ। पौलुस ने तिमोथियस को कहा तू मेरा सन है, स्पिरिचुअल सन है तू मेरा। कहता जैसे बाप बेटे के साथ साथ रहता है, उसका साथ देता है, ऐसे तिमोथियस तूने सुसमाचार के काम में मेरा साथ दिया, तू मेरे बड़े काम का रहा, तूने मेरा साथ दिया। वहां पर पौलुस ने बताया कि स्पिरिचुअल फादर मतलब क्या, जैसे बाप के साथ एक बच्चा रहता है वैसे आप अपने मेंटर के साथ जुड़ के काम करते हो सारी लाइफ। क्या बाप बच्चे को छोड़ देते एक दूसरे को? नहीं, इसलिए आप अपने मेंटर को कभी नहीं छोड़ोगे। वो फादर, स्पिरिचुअल फादर कहने का मतलब ये है कि रिश्ता मतलब जैसे बाप बेटे का। प्रभु ने एग्जाम्पल ली बहुत सारी कि जैसे दुल्हा दुल्हन का रिश्ता है ऐसा तुम मुझसे प्रेम करो। तूने जो मुझसे स्नेह किया है, तूने जो सर्वशक्तिमान को परमेश्वर को अपना दाम मान लिया है, मतलब ऐसा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ बना ली जैसे कि हस्बैंड वाइफ का है। वो एक दूसरे से मिलते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे से फोन पे बातें करते, देखे बिना रह नहीं सकते, ऐसा तेरा मेरे साथ रिश्ता होना चाहिए, ऐसा रिश्ता होना चाहिए जैसे बाप बेटे का है। तो वो रिश्ते की मांग करता है। लेकिन जोशू कहता है आज चल लो तुम किसकी सेवा करोगे? मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा करूंगा। आपको चुनाव करना है, जीवन को चुनो या मृत्यु को चुनो, स्वर्ग को चुनो या नर्क को चुनो, पाप को चुनो या पवित्रता को, यीशु को चुनो। हजारों देवताओं हजारों परमेश्वर चुनो या एक यीशु चुनो। सब एक नहीं है क्योंकि सबकी बातें मिलती नहीं है, सबकी बातें नहीं मिलती, सबके रूल और सिस्टम्स नहीं मिलते। तो परमेश्वर दो, वो शब्द ही हम यूज नहीं कर सकते जैसे बंदे के लिए करते, दोगला, दो बीड़ियां वाला दोगला सा, कदे इधर कदे गिरगिट वांगू रंग बदलता। तो परमेश्वर ऐसा नहीं है कि कहीं कहेगा जितना मर्जी जुत्ती पाके आ जाओ, कहीं कहेगा जुत्ती उतार के आए, कहीं कहो सिर टको, कहीं जगह ना, कहीं कहूगा बैल चढ़ाओ, कहीं जगह बलिया चढ़ाओ, कहीं जगह ना चढ़ाओ, समझ जाओ, कहीं जगह ऐसा करो कहीं जगह वैसा करो। तो सबके पॉइंट डिफरेंट है,
तो सब एक नहीं है। आपको सच्चा परमेश्वर ढूंढना है। उसने कहा तुम मुझे ढूंढोगे तो पा लोगे। हालेलुया। तो आपको हर एक पर्दा उठाना है। लिखा है परमेश्वर ने आपको आंखें दी, वो देखता है। मूर्ति जगत में परमेश्वर नहीं है। उसकी आंखें वो देखती नहीं, उसके कान है वो सुनती नहीं, उसका मुंह है वो आपके लिए बोलती नहीं। उसको बनाने वाले भी मूर्त जैसे हैं। उसको बनाने वाले समय ने भी बहुत सारे, किसी ने सिगरेट बनाते हुए बनाया उसे, किसी ने जर्दा लगाते हुए उसे बनाया। तो परमेश्वर का स्टैंडर्ड इतना लो नहीं है। परमेश्वर आत्मा है। अवश्य जो परमेश्वर के पास आए उसकी आराधना करे, वो रू और सच्चाई से उसकी आराधना करे, उसे आत्मा परमेश्वर मानते हुए। हालेलुया। कि वो हर जगह मौजूद है। हालेलुया। हर पर्दा उठाओ अपने ऊपर से। आज हर एक विरोध की, पता नहीं क्यों आज आत्मा ऐसा बोल रहा है, जो मेरा टॉपिक है मुझे उस पर नहीं जाने दे रहा है, क्योंकि परमेश्वर, शायद मैं ऐसा फील कर रहा हूं कि आपका पिता रोज आपका मुंह देखता है। आज मेरी संतान मेरे पास आएगी या नहीं, आज अपना दिल खोलेगा या नहीं। लिखे वह द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है, जो उसका द्वार खोलेगा उसके अंदर आएगा। रोज तेरा दरबार खटखटाता है, प्रभु दिल दा बुआ, बेटा विश्वास करता मैं ही परमेश्वर हूं, मैं ही प्रभु हूं, मैं तेरे पापों के लिए मरा। रोज प्रभु खटखटा रहा है। मेरे ख्याल से प्रभु इंतजार करते 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 आपके लिए आज अपना दिल खोल रहा है, मेरे मुंह से आवाज बन के, कि हे मेरे बेटे, मैं तेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, कब्र में रखा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, मैं ही परमेश्वर हूं, मुझको सिवा और कोई परमेश्वर है ही नहीं, आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच और कोई नाम नहीं है जो तुम्हें उद्धार और पापों की माफी और तुझे स्वर्ग दे सकता है, विश्वास कर तो तू बचाया जाएगा। परमेश्वर कह रहे हैं मैं ही मार्ग हूं जिसे दुनिया ढूंढ रही है। सच्चा मार्ग कौन है? मार्ग तो बहुत है दुनिया में, पर सच्चा कौन है? आप दुनिया कहती, दुनिया एक और पर्दा कौन सा है? सब मार्ग एक जैसे हैं। नवा शहरी जाना है, चाहे राहों वलती चल जाओ, चाहे बहारे वलती चल जाओ, जाना था नवा शहरी या मिट्टी तो बनया या मिट्टी च मिल जाना या। बहुत सारे सियाने लोग भी बोलते हैं मिट्टी तो बनया, मिट्टी बन जाना है। अच्छा कहाँ लिखा है मिट्टी में इंसान बना? बाइबल में लिखा है, सब में नहीं लिखा। बाइबल पर तो बिलीव तो करते नहीं तुम, बाइबल का बस एक वचन ले रहे हो तुम। तो परमेश्वर चाहता है वो लोग जो ऑनलाइन बैठे हुए बिना प्रभु को अपना जीवन दिए हुए, प्रभु से चाहते हैं पर प्रभु को नहीं चाहते। सृष्टिकर्ता को छोड़ दिया है, सृष्टि की पूजा करने लगे। ये सब कुछ संसार में आता है। कहता है ना तो तुम संसार, ना तो संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। ये सब संसार है, दुनिया है, संसार और संसार की वस्तुएं। कुछ समय संसार और संसार की वस्तुओं से अलग होके परमेश्वर के साथ बैठो। कुछ समय संसार और संसार की वस्तुओं से अलग होके 15 मिनट केवल अपनी लाइफ में धन्यवाद दे के देखो जो परमेश्वर ने कृपा दी है तेरी लाइफ में। केवल धन्यवाद करो बैठ के, सारी दुनिया से अलग होके। लगता है मुझे केवल 15 मिनट धन्यवाद करना है, याद कर करके खुदा ने मेरी लाइफ में कितना कुछ किया। संसार और संसार की वस्तुओं से प्रेम ना करो। इसीलिए आपको परमेश्वर के सामने फैसला करना है। आज आपको फैसला करना है कि आज भी आप उस परमेश्वर को जब द्वार खटखटा रहा है वापस चले जाओगे, या आज आप मीटिंग के बाद अपना जीवन यीशु मसीह को दोगे, या आज ही आप ऑनलाइन, जिन्होंने बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु को जीवन नहीं दिया, आज ही ऑनलाइन कॉल सेंटर पे कॉल करके नाम लिखाएंगे। चाहे आप आज नहीं आ सकते, आप इंडिया में, आपको कहना है बस मुझे लेना है, बताओ कब दोगे, कब आऊं इंडिया। हर संडे मीटिंग के बाद बपतिस्मे होते हैं, हर बुधवार मीटिंग के बाद बपतिस्मे होते हैं, लोग अपना जीवन प्रभु को देते हैं, पर तुम कब आओगे उसके सामने? लेकिन जब तक पवित्र आत्मा किसी से बात ना करे, पवित्र आत्मा किसी को पापी ना ठहराए, पवित्र आत्मा किसी के हृदय के नाश हुए, तब तक वो व्यक्ति यीशु को अपना जीवन नहीं दे सकता। पर आज मैं देख रहा हूं पवित्र आत्मा आपको टच कर रहा है, आपके हृदय को टच कर रहा है कि आप अपना जीवन परमेश्वर को देने जा रहे हैं। हालेलुया। मैं नहीं चाहता कि आप बपतिस्मा इस चीज के लिए लें कि मुझ में से दुष्ट आत्मा निकल जाए, मैं बपतिस्मा ले लूं।
कई लोग सोचते मुझे शैतान तंग कर रहा है, मैं यीशु का हो जाऊं तो शैतान मुझे तंग नहीं करेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा, इससे बपतिस्मा ना लो। हाँ ऐसा होता है, ठीक हो जाते लोग, जैसे बपतिस्मा लेके पानी लेके निकलते हैं दुष्ट आत्मा उस व्यक्ति को छोड़ के चली जाती। नहीं तो हम किसी व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, ए शैतान जा जा जा, मैं बोल रहा हूं ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। एक दिन शैतान बोल रहे मंदिर कौन सा है, मैं हूं इसमें, इसने तो बपतिस्मा ले ही नहीं, पवित्र आत्मा कहां है। अच्छा मैंने कहा वो टीम बपतिस्मा नहीं लिया, मैं अभी आधा घंटा खराब करी ना, जाओ जाओ जाओ, क्योंकि मुझे पता है शैतान ने नहीं जाना, चल भी किया। ये कहेगा हल्का फील कर रहा हूं, घर जाके फिर पकड़ लेंगे। क्यों? दिल में यीशु नहीं है, ऊपर से पास्टर ने थोड़ी सी आग दी चला गया, पर जब तक दिल में यीशु को बिठाओगे नहीं, द्वार खोल के बिठा के नहीं रखोगे उसे, तब तक शैतान आया ही चलाई कर ही आएगा। आई चलाई हुंदी है, बस आई चलाई होती रहेगी। अगर सदा पूरा छुटकारा चाहते हो, यीशु को दिल में बसा के रखो, शैतान छू भी ना पाएगा, डरा भी ना पाएगा, कभी ना आ पाएगा। हाँ हीलिंग होती है बपतिस्मा लेने से, क्योंकि जिस दिन तुम पानी में जाते हो, तुम पानी में गए, मतलब पानी में जाने का मतलब ये नहीं कि पानी ने तेरे पाप धो दिए, पानी एक चिन्ह है कि तुम ये मान लो अपने अंदर कि मैं पानी में गया, जैसे यीशु मसीह कब्र में रखे गए, मर गए और तीसरे दिन बाद कब्र में से बाहर आ गए, जी उठे, ऐसे मैं पानी में गया, मैं अपने पुराने चाल चलन के लिए, पुराना जीवन जो गंदा देखता था, गालियां निकालता था, पाप करता था, लड़कियों को देखता था, गंदे मजाक करता था, बेइज्जती करता था, किसी को शुद्ध बातें बोलता था, किसी की खिलाफत करता था, चुगली मारता था, पुराना जीवन मेरा पाप वाला, आज मैं उसके लिए मर गया। प्रभु आज से तू मुझे अपना आत्मा दे कि मैं दोबारा उन पापों में ना जाऊं। फिर जैसे ही पानी से बाहर आते हैं, जैसे यीशु पानी से बाहर आए, आत्मा कबूतर की नाई आया, आकाशवाणी हुई ये मेरा प्रिय पुत्र है, ऐसे आत्मा पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है और शैतान को बोलता है चल गेट आउट, आज से ये मेरा घर है, मेरा पुत्र है, चला जाए शरीर से। और जब वो शैतान जाता है, पवित्र आत्मा एंजल बोलते हैं रुक रुक रुक, इधर अरे सॉली कहने चकनी आ गिल्टी आ हसबेंड जो फटे उन्होंने भी छट आ जी सस मगर लाई है आत्मा रोज लड़ा नौ कट दी है चल उन्होंने भी ले सारा बोरी बिस्तरा पैक कर और चला जा क्योंकि आज से ये प्रभु का है। तो ऐसे आप डिलीवरेंस लेते हैं। हाँ हीलिंग होती है, हाँ चंगियाई होती है। कई लोगों का उद्धार रियल नहीं है, इसीलिए वो मसीह में होके भी आज तक चंगे नहीं हुई। क्यों? बपतिस्मा बिना अज्ञान के लिए है। अब दोबारा तो बपतिस्मा नहीं होगा, पर उस उद्धार को, साल्वेशन को समझो कि यीशु मुझसे प्रेम करता है, क्रूस पर जान दी, लहू की ताकत को, क्रूस की ताकत को, जी उठने की ताकत, अनुग्रह से उद्धार हुआ, इन सब बातों को समझो। मैं पापी था, उसने माफ किया मुझे। जैसे आप उद्धार की बातों को समझते हैं, आपका कंप्लीट छुटकारा होता है। कई बार देखा जब दुष्ट आत्मा लोगों को तंग करती है, नहीं जाती, बपतिस्मा भी लिया है, फिर हम उसे टीम को बोलते हैं इसे पूरा क्रूस के बारे में बताओ, यीशु के ब्लड की ताकत के बारे में बताओ, क्रूस पर यीशु के जी उठने के बारे में बताओ, यीशु मारा गया जी उठा है, पवित्र आत्मा के बारे में बताओ, पवित्रता ही में रहने के बारे में बताओ, प्रेयर करने के बारे में। जैसे वो उन चीजों को फॉलो करते फिर प्रभु उन्हें आजाद करते हैं। हालेलुया। अपनी चर्च के साथ वफादार रहो, अपने मेंटर के साथ वफादार रहो, जैसे वो उन चीजों को फॉलो करते हैं प्रभु उनकी लाइफ में काम करते हैं। इसीलिए आज अपना दिल खोलो, प्रश्न है टीम से पूछो, है जी मेरा मुझे ये एक बात नहीं समझ आ रही, वो आपको गाइड करेंगे, पर मन फिराओ और लौट आओ ताकि प्रभु की ओर से सुख के दिन आए और आप बचाए जाए। हालेलुया। देखना जैसे ही आप प्रभु को अपना जीवन देंगे, प्रभु तुरंत 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 आपकी लाइफ में काम करना शुरू करेगा। हालेलुया। क्यों? क्योंकि आप उसके बेटे बन चुके हैं, अब जो बेटे का अधिकार है वो आपको मिलना शुरू हो जाएगा, जो पाप का है वो बच्चे का होगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी ओर है, और बाइबल में कहा यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है। ओके, अब आज आपको अपना जीवन परमेश्वर को देना है, मीटिंग के बाद आपको बपतिस्मा लेना है। जिन्होंने सोचना है वो घर जाके सोचे, जिनको किसी से पूछना है, कहते जब परमेश्वर ने मुझे चुन लिया तो मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली, क्योंकि परमेश्वर ने मुझसे डायरेक्ट बात की है, उसने मुझे बात की है। हालेलुया।
तो इसीलिए ये आपका डिसीजन खुद होता है। कई बार मुझे पता होता है ये व्यक्ति प्रभु को जीवन देगा, ये लेगा बपतिस्मा, और हम उसे नहीं बताते। क्यों? हमें पता है ये खुद का डिसीजन है, ये फोर्सफुली नहीं है, ये कोई गाइड करके वाला नहीं है। वो चाहता है लेना, जानना चाहता है प्रभु के बारे में, उसे बताओ और वो ले। हालेलुया। ये चुनाव एक खुद का है, और पवित्र आत्मा लेकर जब तक परमेश्वर की ओर से ये वरदान ना दिया जाए, कोई परमेश्वर के पास नहीं आ सकता। तो हर की लाइफ में परमेश्वर का एक समय होता है। ये लोगों का झूठ है, कई लोगों ने इसी के कारण प्रभु बपतिस्मा नहीं लिया। पता है लोग क्या बोलते हैं? मेरा आज समय नहीं आया, जब समय आऊंगा ले लूंगा। कितना फालका जब बोल दे, 30 दे होगे मेरा समय नहीं आया, 40 दे होगे मेरा समय नहीं आया, 50 दे होगे मेरा समय नहीं आया, 70 दे होगे मेरा समय नहीं आया। उठा लिया, समय आ गया, गया नरक। समझ पा रहे? अब समय आ गया, पर स्वर्ग जाने का नहीं, बपतिस्मा लेने का नहीं। जीते जी मुक्ति है, पता नहीं समय कब आ जाए हमारा दुनिया से जाने का। अगर हमने उद्धार पाया है तो स्वर्ग में जाएंगे, बिना उद्धार पाए मर गए तो हम रोएंगे उस स्वर्ग नरक की आग में। क्योंकि बाइबल ने कहा जो कोई विश्वास करेगा सो बचाया जाएगा, जो कोई मेरे वचन पर बिलीव नहीं करेगा उस पर दंड की आज्ञा रहती है। प्रभु ने कहा जाओ जगत में जाके प्रचार करो, जो विश्वास करे बपतिस्मा ले उसका उद्धार होगा, जो विश्वास ना करे वो दोषी ठहराया जाएगा। दोषी किस बात का? कि मेरा पवित्र उसके वचन उसके पास आया, उसने ग्रहण नहीं किया। लेकिन जब सारी दुनिया के पास ये वचन पहुंच जाएगा कि मन फिराओ, लौट आओ और विश्वास करो परमेश्वर पर, तब दुनिया का अंत आ जाएगा। ताजो को व्यक्ति ये ना कहे मेरे पास तो प्रभु बचाने के लिए नहीं आया। जिनके पास व्यवस्था पहुंची उसका न्याय व्यवस्था के अनुसार होगा, मेरा वचन तेरे पास आया तो उन्हें माना नहीं। जो बिना व्यवस्था पाए मर गए कि हाँ बच्चा था बपतिस्मा नहीं लिया, फैमिली वाला था उसके, उसने अभी तक वचन सुना नहीं था, मर गया, उसका अन्याय उसके कर्मों के अनुसार होगा। तो अगर प्रभु बुलाए हुए को चुन रहा है, बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े। अगर आप चुने हुए और आप खुद इनकार कर रहे हैं, प्रभु का टाइम तो आया होता है, प्रभु ने तो पुकार लिया, खटखटा दिया। पता कब खटखटा दिया? मैं बताता हूं ये लोग कैसे झूठ बोलते। प्रभु ने खटखटा दिया, ये रोया आज पवित्र आत्मा से भर के, पूरा शुआ प्रभु ने। ये कहते यीशु तू ही प्रभु है, तू ही मार्ग है, तू ही सत्य, तू महान है प्रभु, तेरे ऐसा कोई नहीं, तू कितना कितनी बड़ी हीलिंग, सच में तू जिंदा है, तू खुद है, आज तू ही मेरा परमेश्वर, तू ही परमेश्वर है। पर शुआ था प्रभु ने, खटखटाया था, दिल खोला, पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वचन सुन के तुरंत आने से मान लेता है, पर धन का धोखा, संसार की चिंता, मनुष्यों का विरोध उस वचन को चुरा लेता है। इसलिए खटखटा तो उसी टाइम दिया था जब तेरा हृदय खुल गया था, पर अब तुम नहीं मान रहे हो। हालेलुया। इसीलिए उसने कहा पर के देख मैं कितना भला हूं, धन्य है जो मेरी हजूरी में आता है। पर के देखो, एक बार टेस्ट करके देखो, उसको ग्रहण करके देखो अपनी लाइफ। हालेलुया। शैतान के 3 हथियार है। पहला हथियार वो लोगों को बपतिस्मा लेने से रोकता है कि जो बंदा चर्च ना जाए, उनके मन में कथा कहानियां डालता है, मनुष्यों की बातें डालता है, कहते चर्च ना जाए, ये तो अंग्रेजों का गुरु, ये तो गोरियां का गुरु है, पैसे देके धर्म बदली कर देंगे, ये तो ईसाइयों का गुरु है। जबकि कोई भी बात रियल नहीं है। रियल तो क्या, हंसी आती जब लोग ऐसे बोलते जिन्होंने, जिनको पता है बाइबल, जिन्होंने पढ़ी है कि बाइबल में ईसाई शब्द नहीं है, ये ईसाई बोलते हैं, बाइबल में तो ईसाई शब्द ही नहीं लिखा, अंग्रेजों का गौरव बोलते ये, यीशु मसीह ने तो यहूदी लोग, दुनिया का सेंटर है इसराइल, दुनिया इसराइल में जन्म लिया, कि कोई ये ना कोई मेरा परमेश्वर, मेरा परमेश्वर, ये साड्डा है, साड्डा है, साड्डा है। वो कहता मैं सबका हूं। हालेलुया। उसने सेंटर दुनिया में जन्म लिया, इसराइल में वो आया इस दुनिया में, सबका वो परमेश्वर है। लेकिन परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, अपने इकलौता पुत्र दे दिया सारे जगत के लिए जो को इस पर विश्वास करे। किसके लिए दिया? क्रिश्चियनों के लिए, पूरी दुनिया के लिए। तुम दुनिया में आते हो, सारे संसार के लिए, संसार से प्रेम किया। कोई कहता अंग्रेजों का गुरु, अपना अंग्रेज आए अपना धर्म छट गए, नो। हालेलुया। सबसे ज्यादा लोग दुनिया में यीशु मसीह को मानते हैं, सारी कंट्रियों को मिला लो। कई बार तुझे लगता है मेरे मेरे घर तो मेरे पिंड तो 3 क लोग ही है, मैंने शर्म जी आती है। अरे दुनिया देख, दुनिया। हालेलुया।
75% एक एक कंट्री में, 80%, 90%, 90% ऐसे लोग यीशु मसीह को मानने वाले। हालेलुया। अगर तुम पूरा मिला के देखो, अगर तुम इंटरनेट में भी सर्च करोगे तुम्हें पूरा नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटरनेट में वो ही आएगा जो किताबों में है। क्योंकि हमारा धर्म जात तो नहीं बदला, उसने हमारे जीवन को बदला है, हमारे लाइफ को बदला है, तो ये किताबों में तो नहीं गया, गूगल पे तो नहीं चढ़ा, इसलिए ये शो नहीं हो रहा है। जिस दिन शो होगा तो हैरान हो जाओगे। इसीलिए परमेश्वर सबको बचाने वाला है और सबको बचाएगा, जो विश्वास करेगा सब बचाएगा। कहते हर नगर में जाओ, सुसमाचार लेके जाओ, उस नगर में बताओ जाके यीशु ही प्रभु है। वो नहीं विश्वास कर रहा है, पैरों की दूर झाड़ देना, चलो जी ठीक है, नहीं मनना, हमने अपना काम कर दिया है, न्याय के दिन प्रभु उनका लेखा लेगा। मेरे लोग आए थे, मेरा वचन आया था, तूने बिलीव नहीं किया, टीवी पर आया था वचन आया था, ये पड़ोसी द्वारा आया था, ये रिश्तेदार द्वारा आया था, तूने नहीं माना। कल के बाद ये नहीं बोलेगा प्रभु तुम्हें तो जानता आया नहीं, मेरे तो आया नहीं यीशु वाले, मेरे पास तो आया नहीं यीशु का प्रचार, मेरे पास तो आया नहीं प्रचार, मुझे तो किसी ने नहीं बताया, मुझे फिर नरक तो कैसे भेज देगा। प्रभु कहते देख तेरे पास आया था। तो ये सारी चीजें बाइबल में लिखी है। तो मैं नहीं चाहता, ना ही तो आप नरक से डर के बपतिस्मा लो, ना ही तो आप चंगे होने के लिए बपतिस्मा लो, ना ही तो आप शैतान कटवाने के लिए बपतिस्मा लो, ना ही तो आप इस फीलिंग से बपतिस्मा लो कि मैनू ये रात थोड़ा चंगा जहा लगता, थोड़ा वधिया जहा लगता, चल इधर हो जाने हैं, ये भी नहीं बपतिस्मा होता। वो तेरे अंदर है, जब तेरे खुदा ने तुझे टच कर दिया कि मैं ही सच हूं, अपना जीवन मुझ पर दे, अपने पापों से मन फिरा, तौबा कर, तो मैं तुझे बचाऊंगा, अपना आत्मा तुझे दूंगा। फिर जैसे लोग बपतिस्मा लेते हैं, काउंसलिंग होती है, उन्हें बताया जाता है, वो तौबा करते हैं, उसके बाद मैं या प्रभु की दासी उन पर ले हैंड करते हैं। किस बात के लिए? प्रभु तूने कहा जो विश्वास करेगा उसे मैं जीवन के जल की नदियां दूंगा। कहते तुम बुरे हो के अपने बच्चों को अच्छी वस्तुओं देना जानते हैं, मैं मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों ना दूंगा। तो मैं प्रार्थना करता हूं, अगर आपको पवित्र आत्मा चाहिए आज आपके पाप माफ हो गए, क्या आपको पवित्र आत्मा चाहिए? वो कहते हाँ चाहिए। ओके, मैंने कहा फिर मैं आपके ऊपर हाथ रखता हूं। बपतिस्मा पानी में जाना एक फॉर्मेलिटी, जो एक नियम को पूरा करना वो होने वाला है, पर जैसे तूने मन में आज ये तौबा कर ली है तुम प्रभु के हो चुके हो, तो अब मैं तेरे लिए पवित्र आत्मा के लिए प्रेर करूंगा। जैसे ही प्रेर होती चाहे जो पानी में से निकल जाते तुरंत वो भर जाते हैं पवित्र आत्मा से, रोने लग जाते, प्रभु के आनंद से भर जाते। क्यों? क्योंकि शैतान गया और पवित्र आत्मा उनके अंदर आ गया, क्योंकि वो पवित्र हो गए। हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो शैतान का कब्जा टूट जाता है। हमने देखा शैतान से जकड़े हुए लोगों को पानी में जाने से रोकते हुए, नहीं नहीं ब्लेंडर पकड़ के लेके जाते, नहीं 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 नहीं, जैसे वो निकल के जाता है पूरा फ्री होके जाता है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि शैतान के यही तीन हथियार, पहले वो यीशु को जानने से रोकता है कि बंदा यीशु को पास ना चले जाए, इसलिए आपको व्यस्त करके रखता है। आपके रिश्तेदार बताते भी रहते हैं, आप सुन नहीं समझे नहीं पाते, फिर आपके लिए प्रार्थना होती रहती है। चर्च क्लीसिया आपके नगर के लोग प्रेयर करते, प्रभु ये लोग बचाए जाए जैसे मैं बचाया गया, और प्रभु आपके लिए रास्ता खोलता है, आप चर्च आ पाते हैं। अब शैतान का दूसरा हथियार, ये चर्च तो आ गया, वचन तो सुन रहा है, पर ये बपतिस्मा ना ले, ये बिलीव ना करे, यहीं से बैकस्लाइड कर दूं, यहीं से पीछे कर दूं इसे, क्योंकि जिस दिन इन्हें अपना जीवन यीशु को दे दिया मुझे आउट होना पड़ेगा, क्योंकि या तो खुदा रहेगा या शैतान, 50-50 नहीं, आज खुदा कालू शैतान, आज खुदा कालू शैतान, ऐसे कुछ नहीं होता, या तो खुदा आपके अंदर रहेगा या शैतान रहेगा। तो किसको आप जगह देते हो अपने जीवन में? तो शैतान चाहता है अब ये जीवन ना दे यीशु को, ऐसे चला जाए, पर प्रार्थनाएं होती चर्च में, प्रभु जो बचाए गए प्रभु उन पर दया कर, इनके ऊपर से शैतान जाए, इनकी आंखें खुल जाए, तेरी दया हो। एक दिन पवित्र आत्मा ने छूता है, किसी सभा में वर्शिप करते हुए, वचन के टाइम, घर प्रार्थना करते समय, कोई भी वचन के द्वारा, पुस्तक के द्वारा, और वो प्रभु को अपना जीवन देते हैं। फिर तीसरा हथियार, कई तो पहले में पीछे, अभी कई दूसरा स्टेप नहीं पहुंचे, तीसरा हथियार, इसने बपतिस्मा तो ले लिया है, ये तो बच गया, मैं रोक नहीं पाया, अब जो इसके ऊपर बुलाहट है, जैसे मेरी बुलाहट है पास्टर बनने की, किसी की गाने की, किसी की पास्टर की वाइफ बनने की, किसी की कैमरा चलाने की, किसी की क्वायर की, किसी की ब्लेंटियर की, किसी की सुसमाचार प्रचार करने की,
अलग अलग सेवा है, किसी की फॉरन जाके जा अपना बड़ा बिजनेस के द्वारा प्रभु के क्रूसर करवाने की, सुसमाचार फैलाने में सहायता करने की, ये अलग अलग कॉलिंग है। शैतान कहता अपनी अभी कॉलिंग ना जान जाए और पाप में गिराने की कोशिश करता है, प्रेयर में अटैक करता है, प्रेयर ना करे ये अपनी कॉलिंग ना जान जाए, पवित्रता में खड़ा ना हो जाए, रोजे ना रखे, और वो अटैक करते हैं। आज तीनों अटैक को लात मार के आगे बढ़ो अपने अगले स्टेप में, परमेश्वर आपके साथ है।